हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध के बारे में। अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अर्ध आयु होता क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में विघटित होकर अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है, उतने ही समय को उसकी अर्ध आयु कहते हैं। जितने समय अंतराल में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात उसके परमाणु की संख्या विघटन के कारण अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, उस समय अंतराल को उस पदार्थ की अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, किसी एक तत्व के लिए अर्ध आयु का मान नियत होता है, लेकिन अलग अलग तत्व के लिए अर्ध आयु का मान अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध को। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना टी बराबर शून्य समय पर, ठीक है, टी बराबर शून्य समय पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या किसी रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या कितना है? टी बराबर शून्य समय पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की संख्या एन जीरो है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की संख्या कितना है? एन जीरो है। ठीक है, अब टी समय पर, कितने पर? टी समय पर, टी समय पर घट जाएगी। टी समय पर या पश्चात कितना बचेगा? एन रह जाती है, एन रह जाती है। तो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मान ले रहे हैं कि टी बराबर शून्य पर उसकी मात्रा एन जीरो है और टी समय पर घटकर यह एन रह जाती है। ठीक है, तब रदरफोर्ड और सोडी का नियम आप पढ़े हैं, तो उसके लिए रदरफोर्ड और सोडी का नियम है एन बराबर एन जीरो ई पावर माइनस लेमडा टी, एन बराबर एन जीरो ई पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, अब यदि पदार्थ की अर्धायु, ठीक है, अब यदि पदार्थ की अर्ध आयु, पदार्थ की अर्ध आयु क्या हो? कैपिटल टी हो। पदार्थ की अर्ध आयु कैपिटल टी हो, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी एक बटे दो को भी अर्ध आयु प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो टाइम कितना हो रहा है? अर्ध आयु ले रहे हैं, टी एक बटे दो। समय पर परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी प्रारंभिक मान की, एन जीरो बटे दो हो जाएगी। ठीक है, तो टी बराबर टी हाफ, तो उस समय एन जीरो बटे दो होगा। यह मान हम रख रहे हैं, इसमें एन के जगह क्या लिखना पड़ेगा? एन जीरो बटा दो, एन जीरो ई पावर माइनस लेमडा, और टी के जगह क्या होगा? टी हाफ। समय कितना लग रहा है? टी हाफ, अर्ध आयु। ठीक है, अब जो है यह एन जीरो से एन जीरो कट जाएगा, इधर बचेगा एक बटे दो ई पावर लेमडा टी हाफ, ई पावर लेमडा टी हाफ। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा, यह उल्टा कर देंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा दो और इधर हो जाएगा आपका ई पावर लैम्डा टी हाफ। ठीक है ना, पलट दिए तो यह माइनस का प्लस हो गया और एक बटे दो का दो हो गया, तो दो बराबर ई पावर लैम्डा टी हाफ हो गया। ठीक है, अब लैम्डा टी बराबर, लैम्डा टी हाफ क्या हो जाएगा? तो लैम्डा टी हाफ बराबर लाग ई टू हो जाएगा। लैम्डा टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? लाग बेस ई टू हो जाएगा। ठीक है,
और आपको कितना निकालना है, टी हाफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं टी हाफ माने अर्ध आयु बराबर, तो लाग बेस ई टू बटा लैम्डा, यह हो जाएगा। अब टी हाफ बराबर लाग ई बेस टू का मान कितना होगा, यह होता है 0.6931, 0.6931 लाग टू का मान होता है और बटे लैम्डा। यह अर्ध आयु का आपको सूत्र मिल गया कि टी हाफ बराबर 0.6931 बटे लैम्डा। यह किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध है, टी हाफ और लैम्डा में संबंध है, 0.6931 बटे लैम्डा। ठीक है, कैसे आपने निकाला, तो आपने माना टी बराबर शून्य समय पर, टी बराबर शून्य समय पर किसी रेडियो एक्टिव परमाणु की संख्या एन जीरो है और टी समय पर परमाणु की संख्या एन रह जाती है। इसके लिए रदरफोर्ड और सोडी का नियम आपने लगाया, एन बराबर एन जीरो ई पावर माइनस लेमडा टी। अर्ध आयु टाइम जो आपने रखा टी हाफ रखा, टी हाफ समय में पदार्थ की मात्रा घटकर आधी हो जाती है एन जीरो बटे दो, तो रदरफोर्ड और सोडी के नियम में आपने एन के जगह आधा कर दिया एन जीरो बटे दो और एन जीरो ई पावर माइनस लेमडा टी के जगह टी हाफ। साल्व किया आपने, एन जीरो से एन जीरो कट गया, एक बटे दो ई पावर माइनस लेमडा टी हाफ। ठीक है, उल्टा कर दिया तो इधर हो गया दो ई पावर माइनस प्लस हो गया लेमडा टी हाफ। ठीक है, लेमडा टी हाफ बराबर तो यह जो लाग ई टू हो जाएगा, टी हाफ बराबर लाग ई टू बटा लेमडा हो जाएगा। लाग ई टू का मान रख दिए, टी हाफ बराबर 0.6931 बटे लेमडा। ठीक है, यह हमें सूत्र मिल गया अर्ध आयु का कि अर्ध आयु टी हाफ बराबर कितना होता है, 0.6931 बटे लेमडा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।